हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है Like, ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोटो के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटो आल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के टू आटोर सैनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव रह जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक अरेंज किया तो पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो परसेंस ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 150 मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 333 मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीन कहां पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद है योगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जैस लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्ट्री शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की मूवी से इस को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जान से इस को 60 तक किया गया यहाँ पर लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी, साथ साथ के तो के उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मिन्ज आटोर प्ले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरीलाइन स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू और सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए एंड कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया है तो ये थी एक सुपरिट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like, किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेट इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीज इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टिस्ट शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जान से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की ज़िये ज़िये से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की से इस मूवी को सिक्स तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन्स आर्ट ओ आल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट टू ऑल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो और सैनमेटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज <ASL2> में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दो दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसे किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जानवर से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एन टमाटोजो के यूज की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन आल्टो और प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस इस मूवी मूवी के के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो चीज़ा चीज़ा, साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के टू और सिनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी आड़ की आट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूज़िक को अेंज किया तो यहाँ पर सलीम सलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए एंड कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीन कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेसन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है Like, ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगो ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोजो के यूजर्स की जान से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवन तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आर टो आल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको तो 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 जीए जीए। जीए इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सेनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटोर और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी तो 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 के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हजार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में यह मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 150 मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 333 मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हिट मूवी जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेट इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने हार्ट वाले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनरल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्ट्री शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जान से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी, साथ साथ के तो के उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मिन्ज आटोर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस, तो इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस तो मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्लेय राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सैनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी आड़ की आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आटो वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 150 मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 333 मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद है योगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जैस लाइक like, किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जान से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीनस आर्ट ओल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो ऑल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल्टऑल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू आर सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म्स आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए एंड कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like, किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हावर्स एंड ट्वेंटी टु मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्टी शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की जानवे से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन आटोर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो और सिनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के, के के कौन -कौन तो के उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद रह होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेट वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेट इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जान से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन्स आल्टो वाल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के टू और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म ही आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए एंड कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीन कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेट वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like, किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्ट्री शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी इसी के साथ साथ तो हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवन तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटो और प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्लेय राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्लेये राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा तो जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टोल सीनेमाटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हजार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में यह मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 150 मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों 150 मिलियन मिलिय इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये उस सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 333 मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसाइक किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेट इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने हार्ट वाले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टु ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर बिल की लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एंड टमाटोज के यूजर्स की जान से इस मूवी को सिक्स नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवनी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटोर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला ठीक है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन तो थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहां पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रोड्यूसर्स के, के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू आर सिनेटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं, हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में यह मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए गया कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीज इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जान से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन्स आर्ट ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल ऑल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू आर सैनटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए गया और कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्टिस शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी की जानवर से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की, जन्फ की जन्फ से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया यहाँ पर बिल की लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्ज की जब इस मूवी को 69 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मिन्ज आटोर प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला ठीक है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहां पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आटो और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के आड़ आड़ साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूज़िक को अज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज कौ शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलिय इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज़्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टॉम अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेलकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर हारनीय वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसे किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोड एन टमाटोज के की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवन तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटो ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टो ऑल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सैनमेटोग्राफ़र दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टो और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट आट्टल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट आर्टोलॉल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज कौ शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है लोगों आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेट इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको यह भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनरल के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मेन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू टु हवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्ट्री शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टाकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जानवर से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेड टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो एंड टमाटोज के यूजर्स की जानक से इस मूवी को 69 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन आटोर प्ले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला और यहाँ पर और मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो ठीक है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहां पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सेनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सैनमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टो और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आटो वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसे किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टिस शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम डी प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जान से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जान से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेड के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटो आल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो और यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्लेये राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल्टल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू आर सिनेटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजायो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए गया कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज़ का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉमेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपकी ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहां पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा आ रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हावर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन सेक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जनब से इस मूवी को जो मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेड टमाटो के यूजर्स की जान से, से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 69 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही जबरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन आल्टो और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो ठीक है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहां पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर टू आर सैनटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो परसेंस ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए गया और कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज़ का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है Like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का चैनल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि यह मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इन्जॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीनस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू तो आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से सेक्टिस शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में आई एम डी प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वॉच के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 60 परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के, तो के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की, की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवन तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीन्स आर्टो आर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सैनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सीनेमाटोग्राफर तो दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टो और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ, के 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 तो के उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में, कौं -कौं में कौन कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी मीस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो टेन दिसंबर टू थाउजेंड टेन इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब दस दिसंबर दो हज़ार दस को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज़्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मीनस कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टॉम अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेललाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर हारनीय वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जैसाइक like किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी के रेटिंग के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया तो इसके पीछे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए इस मूवी ने आठ वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये बात जानने में कि ये मूवी फेमस हुई या फिर फ्लॉप हुई मतलब आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं एंड एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये मूवी अभी, अभी अवेलेबल मिल जाएगी जहाँ पर जाके आप इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ इंजॉय कर सकते हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं साल 2010 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी बैंड बाजा बारात के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि किस तरह की मूवी बनाई गई मेन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड ट्वेंटी तु मिनट्स की है मतलब दो घंटे और बीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टिस्ट शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा शना गमात मनीष चौधरी सुशील दहिया एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी के क्या क्या रेटिंग्स रही इन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई के बारे में कि आई एम प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जनब से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट वाच के यूजर्स की जान से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो जस्ट वाच के यूजर्स की जानक से इस मूवी को सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर बिल लाइक एवरेज काफ़ी अच्छी थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोट एंड के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो रोट एंड टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सिक्सटी नाइन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को सेवेंटी तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज बहुत ही बेहतर थी मीज आटोर प्लेटॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की रही तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं थे, थे, थे। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे एंड राइटर कौन थे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में किस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला तो यहाँ पर हबीब फैसल जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल स्क्रीन प्ले को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे तो यहाँ पर मनीष शर्मा जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया एंड खुद ही इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आदित्य चोपड़ा जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर असीम मिश्रा जी आपको इस मूवी के सैनमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्टो और सैनिटोग्राफी को अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया तो यहाँ पर नम्रता राव जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को अरेंज किया तो यहाँ पर सलीम सुलेमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर हो सॉन्ग्स वगैरह आर्ट वाल म्यूजिक को इन दो पर्सन ने ही अरेंज किया था उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में एक बहुत बड़ा ब्रांड यशराज फिल्म आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी वही ब्रांड यशराज फिल्म्स ही आपको दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया तो टेन दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज डेट है मतलब 10 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी उस दिन आप लोग वहाँ पर इस मूवी को जो कर पा रहे थे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री कौन सी एंड लैंग्वेजेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो इस मूवी की कंट्री जो है वो जस्ट इंडिया कंट्री है एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही इस मूवी को किसी और लैंग्वेज में डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे इस मूवी ने कमाए तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन इंडियन रुपीज का जी दोस्तों डेढ़ सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर बनाई जाने वाली ये सुपर हिट मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मिलियन इंडियन रुपीज का रहा जी हाँ दोस्तों जितना लगाया उससे तकरीबन दो गुना से भी ज्यादा इस मूवी ने गेन कर लिया तो ये थी एक सुपर हट मूवी जिसके बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का रहता है कि आप लोग इस मूवी को कहाँ पर एंजॉय कर सकते हो मीन कहाँ पर आपको यह मूवी अवेलेबल मिलेगी तो बहुत बड़ा ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर आपको ये मूवी अवेलेबल मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इनफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़